Hey guys, welcome back to our channel Bollywood Bustle. मैं विंध्या. आज की टॉप खबरें सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए. शिल्पा शेट्टी की जुहू फ्लैट क्यों सीज की गई आज? शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड राज कुंद्रा फंस गए हैं एक नई कंट्रोवर्सी में. लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने राज कुंद्रा की 97 करोड़ वर्थ प्रॉपर्टीज को सीज कर दिया है आज. उन प्रॉपर्टीज में से शिल्पा शेट्टी की जुहू वाली फ्लैट और पुणे बंगलो भी शामिल है. खबरों के मुताबिक ये एक मनी लॉन्ड्रिंग केस है जिसमें राज कुंद्रा का नाम सामने आया है. रिपोर्टेडली ये लोग इन्वेस्टर्स को धोखा देकर उनसे पैसे लेते हैं ये बोलकर कि वो उन्हें बिटकॉइन पर रिटर्न्स दिलवाएंगे, लेकिन वो खुद उन पैसों से सीक्रेट वॉलेट्स में बिटकॉइन खरीद लेते हैं. दिलजीत दोसांझ क्यों अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं करते, रिवील किया इस चमकीला एक्टर ने. रिसेंटली खबर आई थी कि दिलजीत दोसांझ मैरिड है और उनकी वाइफ और बेटे US में रहते हैं. इसके बाद दिलजीत के पर्सनल लाइफ को लेके इंटरनेट यूजर्स काफी क्यूरियस हो गए और आज एक इंटरव्यू में इस बात को एड्रेस करते हुए चमकीला एक्टर अंजुम बत्रा ने बताया, दिलजीत ने सेट्स पर मुझसे ये बात शेयर की थी कि कुछ सालों पहले उसके गाने की वजह से उसके घर के बाहर प्रोटेस्ट होने लगे और तब से वो अपने परिवार को लेके बहुत प्रोटेक्टिव है और उन्हें लाइमलाइट से दूर रखता है. अपने करियर में इस चीज को रिग्रेट करती है परिणीति चोपड़ा. करंटली चमकीला की सक्सेस एंजॉय करने वाली एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने एक रीसेंट इंटरव्यू में रिवील किया कि वो फाइनली अब वो फिल्म्स कर रही है जो वो करना चाहती है. अपने करियर की शुरुआत की बात करते हुए परिणीति ने कहा, तब मुझे लगता था कि मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता और मैं इसीलिए सबकी एडवाइस लेती थी. तब मेरे आसपास हर कोई मुझे सलाह देते रहता था और मैंने वो सुनी भी, जिसके चलते मैंने अपने मूवीज में गलत डिसीजंस लिए, लेकिन अब मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगी और अपनी गट फीलिंग के हिसाब से ही पिक्चर साइन करूंगी. पुष्पा 2 ने क्रिएट कर दी एक नई रिकॉर्ड. लेटेस्ट खबरों के मुताबिक पुष्पा 2 की डिजिटल राइट्स नेटफ्लिक्स को बेची गई है 250 करोड़ के दाम पे. रिपोर्ट्स की माने तो ये अभी तक की हाईएस्ट पेड प्राइस है एक इंडियन फिल्म की OTT राइट्स के लिए. इससे पहले राजामौली की RRR की डिजिटल राइट्स 170 करोड़ पे बेची गई थी और अब उससे करीब 100 करोड़ ज्यादा कमा के पुष्पा 2 के मेकर्स ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी. पिंक विला के लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार पुष्पा 2 के मेकर्स ने नेटफ्लिक्स के साथ एक डील साइन की है और पुष्पा 2 की OTT राइट्स का दाम 250 से 300 करोड़ के बीच वेरी करेगा. 250 करोड़ बेस प्राइस है और फिल्म की थिएट्रिकल परफॉर्मेंस के आधारित OTT राइट्स का दाम डिसाइड करेंगे मेकर्स. आपको बता दें कि कल ही रवीना टंडन के हस्बैंड अनिल थडानी ने पुष्पा 2 की नॉर्थ इंडियन राइट्स खरीदी 200 करोड़ की दाम पे. पुष्पा 2 की बजट है करीब 500 करोड़ एंड अब इन सब डील्स के चलते मेकर्स ने ऑलरेडी अपने सारे मेकिंग कॉस्ट ऑलमोस्ट रिकवर कर लिए हैं. डायरेक्टर सुकुमार फिलहाल पुष्पा 2 की फाइनल लेग की शूटिंग कर रहे हैं हैदराबाद में. खबरों के मुताबिक मई में पुष्पा 2 रैप अप हो जाएगी. सिंघम अगेन के बाद रोहित शेट्टी प्लान कर रहे हैं ये कॉप फिल्म. रोहित शेट्टी फिलहाल गियर अप कर रहे हैं अपनी फिल्म सिंघम अगेन के लिए, जिसमें अजय देवगन, करीना कपूर खान, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ और अर्जुन कपूर नजर आने वाले हैं. दीपिका इस फिल्म में कॉप शक्ति शेट्टी का किरदार निभाने वाली है और रोहित शेट्टी ने इस फिल्म से सबसे पहले दीपिका की ही लुक रिलीज की थी. और लेटेस्ट खबरों के मुताबिक रोहित शेट्टी ने एक रीसेंट इवेंट पर बोला था कि वो सिंघम अगेन के बाद दीपिका के कैरेक्टर शक्ति शेट्टी की सोलो कॉप मूवी बनाने वाले हैं. प्रभास की इस अपकमिंग फिल्म सेट से लीक हुई उनकी लुक. प्रभास कल की 2898 एडी के बाद हॉरर कॉमेडी फिल्म द राजा साहब में नजर आने वाले हैं, जिसकी अनाउंसमेंट इस साल के शुरुआत में की गई थी. और आज प्रभास की एक नई वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, जिसमें हम देख सकते हैं कि वो राजा साहब की सेट पर शूट करने पहुंचे एक नए लुक के साथ. प्रभास इस लुक में लंबे बाल और दाढ़ी के साथ नजर आ रहे हैं. सूत्रों की माने तो प्रभास फिलहाल कल की 2898 एडी की फाइनल स्केड्यूल और द राजा साहब की पहली स्केड्यूल की शूटिंग कर रहे हैं. शाहरुख खान के साथ एक रोमांटिक मूवी करना चाहती है ये बी टाउन डीवा.
विद्या बालन फिलहाल अपने अपकमिंग रोम कॉम दो और दो प्यार की प्रमोशंस कर रही हैं और एक रीसेंट इंटरव्यू में उन्होंने रिवील किया कि वो नेक्स्ट शाहरुख खान के साथ एक रोमांटिक मूवी में स्टार करना चाहती है। आपको बता दें कि विद्या बालन ने शाहरुख खान की ओम शांति ओम में गेस्ट अपीयरेंस दिया था और शाहरुख खान ने विद्या स्टारर हे बेबी में एक गेस्ट रोल किया था, लेकिन ये दोनों कभी एक फिल्म में लीड्स के तौर पे नहीं पेयर अप हुए हैं। टू स्टेट्स के 10 साल कंप्लीट होने पर अर्जुन कपूर ने शेयर की एक स्पेशल वीडियो। आलिया भट्ट और अर्जुन कपूर स्टारर टू स्टेट्स की रिलीज को आज 10 साल पूरे हो चुके हैं और अर्जुन ने इस खास दिन पर अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो शेयर की। उस वीडियो में टू स्टेट्स फिल्म की कहीं आइकॉनिक सीन्स और कुछ नेवर सीन बिफोर बिहाइंड द सीन्स की झलकें दी गई और अर्जुन ने इसके वॉइस ओवर में एक स्पेशल नरेशन भी दी। सिकंदर की शूटिंग डिटेल्स हुई रिवील। सलमान खान ने ईद पर अपने अपकमिंग फिल्म सिकंदर के टाइटल की अनाउंसमेंट की और आज फिल्म से जुड़े एक क्लोज सोर्स ने मीडिया को रिवील किया कि सलमान खान और एआर मुरुगदोस सिकंदर की शूटिंग मई से शुरू करने वाले हैं। रिपोर्टेडली डायरेक्टर एआर मुरुगदोस अपने अपकमिंग तमिल फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं फिलहाल, जिस वजह से वो मई में सिकंदर और इस तमिल फिल्म की शूटिंग के बीच जगल करेंगे। आपको बता दें कि एआर मुरुगदोस की तमिल फिल्म का टाइटल है SK23 और इस फिल्म के लीड एक्टर हैं शिवा कार्तिकेयन। सूत्रों की माने तो मई में सिकंदर के पहले स्केड्यूल को कंप्लीट करने के बाद एआर मुरुगदोस SK23 को रैप अप करेंगे जून में और फिर जुलाई से डायरेक्टर एआर मुरुगदोस और सलमान खान फुल फ्लैज शूटिंग करेंगे सिकंदर के लिए। कुछ दिनों पहले रिवील किया गया था कि सिकंदर की टीम अगस्त के महीने में यूरोप भी जाने वाले हैं कुछ एक्शन सीक्वेंसेस फिल्म करने। फिलहाल फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला सिकंदर की लीड एक्ट्रेस और विलन की कास्टिंग कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि सलमान भाई की इस मच अवेटेड फिल्म में कौन जुड़ते हैं। किंग की स्टोरी हुई रिवील। शाहरुख खान और सुहाना खान अब नेक्स्ट नजर आने वाले हैं सुजॉय घोष की किंग में और आज फिल्म से जुड़े एक क्लोज सोर्स ने रिवील किया कि मेकर्स ने पिछले कुछ महीनों में इस फिल्म की स्क्रिप्ट में काफी चेंजेस किए। किंग दरअसल सुहाना खान की बिग स्क्रीन डेब्यू है और इसीलिए मेकर्स ने पहले कहानी ऐसे लिखी थी कि सुहाना ही पूरे फिल्म का मेन फोकस होगी और शाहरुख खान बस एक साइड कैरेक्टर निभाएंगे जैसा उन्होंने डियर जिंदगी में किया था, लेकिन अब चेंजेस के बाद स्क्रिप्ट कुछ ऐसे हो गई है कि शाहरुख खान किंग फिल्म के मेन लीड होंगे और सुहाना उनकी पैरेलल लीड होगी, कहा उस सोर्स ने। बॉलीवुड हंगामा के रिपोर्ट्स के मुताबिक किंग फिल्म में शाहरुख खान सुहाना के मेंटोर का किरदार निभाएंगे जो सुहाना को मुश्किलों से बचाएगा। शाहरुख खान का किरदार काफी सासी एंड बैडास होने वाला है इस फिल्म में एंड सूत्रों की माने तो किंग इस साल मई में फ्लोर्स पर जाएगी जहां शाहरुख खान और सुहाना 15 दिनों के लिए शूट करेंगे। इसके बाद अगस्त सितंबर में दूसरे स्केड्यूल की शूटिंग की जाएगी। फिलहाल ऐसा कहा जा रहा है कि किंग 2025 के सेकेंड हाफ में थिएटर्स में रिलीज होगी। द ग्रेट इंडियन कपल शो में नेक्स्ट नजर आने वाले हैं ये सेलेब्स। द ग्रेट इंडियन कपल शो की एक नई प्रोमो रिलीज की गई कल, जिसमें हम देख सकते हैं कि विकी कौशल और उनके भाई सनी कौशल इस हफ्ते शो पर नजर आने वाले हैं। इसके अलावा सेट से एक और पिक्चर रिलीज हुई जिसमें हम सानिया मिर्जा को देख सकते हैं। सूत्रों की माने तो सानिया भी जल्द कपिल के शो में नजर आने वाली है। सानिया के डिवोर्स के बाद ये उनका पहला पब्लिक अपीयरेंस होगा, जिसके चलते लोग एक्साइटेड हैं इस एपिसोड के लिए। खलनायक 2 की नई डिटेल्स रिवील की डायरेक्टर सुभाष घाई ने। रिसेंटली खबर आई थी कि सुभाष घाई ने खलनायक 2 की स्क्रिप्टिंग कंप्लीट की है और वो अब बल्लू बलराम के कैरेक्टर प्ले करने के लिए नए एक्टर्स की तलाश में हैं। लेकिन आज मीडिया से बात करते हुए सुभाष सर ने क्लैरिफाई किया कि वो बल्लू बलराम के कैरेक्टर के लिए नहीं बल्कि फिल्म के दूसरे कैरेक्टर्स में नए एक्टर्स को कास्ट करेंगे और बल्लू बलराम इस फिल्म में संजय दत्त द्वारा ही प्ले किया जाएगा, जो कहानी में 55 ईयर्स का हो जाएगा। इस एक्टर के साथ पाव भाजी शेयर की शाहरुख खान ने। चमकीला एक्टर अंजुम बत्रा ने एक रीसेंट इंटरव्यू में बात की अपने मन्नत विजिट के बारे में। अंजुम ने बताया कि जब हैरी मेट सेजल के दौरान वो शाहरुख खान की मदद कर रहे थे कुछ पंजाबी डायलॉग्स बोलने में और उस वजह से इम्तियाज उन्हें मन्नत लेके गए। वहाँ जाने के बाद शाहरुख सर और मैंने रात भर बातें की और काम भी किया।
उन्होंने मुझसे एक मेन्यू देकर पूछा कि मैं क्या खाऊंगा, पर मैंने मना कर दिया, लेकिन उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया कि मैं पाव भाजी मंगवाऊं और उनके साथ शेयर भी करूं, कहा अंजुम ने। सलमान खान के घर पर गोली चलाने के लिए शूटर्स को कितने पैसे दिए गए? कल पुलिस ने सलमान खान के घर पर गोलियां चलाने वाले दो लोग विकी गुप्ता और सागर पाल को हिरासत में लिया था, और आज न्यूज 18 के रिपोर्ट्स ने रिवील किया कि अनमोल बिश्नोई ने इन शूटर्स को 4 लाख दिए थे इस इंसिडेंट के लिए। रिपोर्टेडली उन्होंने 1 लाख एडवांस दिया था और 3 लाख शूटिंग के बाद देने का वादा किया था। बड़े मियां छोटे मियां बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। टाइगर और अक्षय कुमार स्टारर बड़े मियां छोटे मियां वीक 1 के एंड तक आते आते डिप देख रही है। फिल्म ने कल डे 7 पे कलेक्ट किए 2.5 करोड़ और आज डे 8 पे अभी तक 0.64 करोड़ की कलेक्शन की है। इससे फिल्म की टोटल डोमेस्टिक कलेक्शंस पहुंची है 48.84 करोड़ पर। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज और अपडेट सबसे पहले सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।